नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरिद्वार में माया देवी मंदिर में लगे अखाड़ों की सफाई व्यवस्था को लेकर कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 11 मार्च को कुंभ का शाही स्नान होने जा रहा है, साथ ही इस बीच कांवड़ का मेला भी है। वहीं स्नान के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए मेला अधिकारी ने अखाड़ों की सफाई, बिजली, पानी और शौचालय का निरीक्षण किया। इस दौरान मेला अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि साधु संतों की ओर से अखाड़े में बिजली, पानी और शौचालय की शिकायतें आ रही थी, वहीं अब उन्होंने अखाड़े का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं बनाने की बात कही। आज आपके साथ एक संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें मूलभूत सुविधाएं, बिजली है, पानी है, भूमि का समतलीकरण है, शौचालय हैं, इन सब पे चर्चा हुई। इसमें से कुछ सुविधाएं तो दी गई हैं, कुछ बाकी हैं। इसमें मेला प्रशासन पूरा अपना यहाँ पे मेहनत करते हुए इन सब सुविधाओं को दे देगा। देहरादून में उत्तराखंड स्वराज यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस दौरान सर्वजन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर देवेश्वर भट्ट ने बताया कि उत्तराखंड स्वराज यात्रा का शुभारंभ 8 मार्च को गढ़वाल मंडल के जिला चमोली के गैरसैंण से किया जाएगा। वहीं इस दौरान यात्रा में विधानसभा के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष यात्रा के साथ में चलकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। वहीं उन्होंने यात्रा में पार्टी के पूरे दमखम के साथ विभिन्न मुद्दों में जनसंपर्क कर अभियान चलाने की बात कही। मैंने जो बताया कि स्वराज यात्रा का हम शुरुआत कर रहे हैं 8 तारीख को, और पूरे उत्तराखंड में 13 के 13 जिलों में स्वराज यात्रा जाएगी और जन जागृति अभियान चलेगा। और जो लोगों को हम पार्टी में आने का न्योता देंगे और लोगों को बताएंगे कि पार्टी का यात्रा का क्या उद्देश्य है। देहरादून के डोईवाला में त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर नगर मंडल अध्यक्ष विनय कंडवाल की अध्यक्षता में बैठक की गई। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर डोईवाला में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इस दौरान कार्यक्रम में सरकार की 4 साल की उपलब्धियां जनता के सामने पेश की जाएंगी। इस दौरान राज्य मंत्री करण बोरा ने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार को 4 साल ऐतिहासिक पूर्ण रहे। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें हमारा जो टारगेट था 10,000 की संख्या हम मान करके चल रहे थे, लेकिन वो संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी डोईवाला विधानसभा से प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं से को लाइव प्रसारण करेंगे। बहादुराबाद के गढ़मीरपुर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपसी भाईचारे को लेकर संवाद सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम में महंगाई, बेरोजगारी के अलावा कई मुद्दों पर सरकार की ओर से की जा रही अनदेखी पर चर्चा की गई। वहीं वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी महंगाई कम करने के नाम पर सत्ता में आई थी और वहीं बढ़ती महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा किसानों को देशद्रोही, खालिस्तानी बताकर बदनाम कर रही है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर जनता की उम्मीदों पर काम करने की बात कही। आप देख रहे होंगे आज तमाम देश के अंदर में जो परिस्थितियां बनी हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो तमाम तरह के अन्याय, उत्पीड़न किए जा रहे हैं, इससे त्रस्त हो गई है जनता। और आज ये जन सैलाब ये आपको दिखा रहा है कि अब बहुजन समाज पार्टी का समय आ रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे और उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएंगे। आपको पता है कि हमारा बेस वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ है, वो किसी से कटता नहीं, टूटता नहीं, फूटता नहीं। और आज बीजेपी की जन विरोधी नीतियाँ, जिससे मजदूर भी परेशान है, किसान भी परेशान है और जो हमारे व्यापारी हैं वह भी परेशान है। केंद्र की सरकार है, उसने जो कानून बनाया है, कृषि कानून में जो किसान हमारे 300 से ऊपर जो उनकी मृत्यु हो चुकी है और 3 महीने से ज़्यादा उनका समय हो गया है, वो जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी उनकी साथ है। कुछ मुखालिफ लोग बीच में ऐसे घुस जाते हैं, वो पार्टी को बदनाम करने में लगे रहते हैं, लेकिन अब की बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष गौतम जी यहाँ कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं। इंशाल्लाह अब के कमान ऐसी हाथ में रहेगी कि हम MLA की भी कम से कम 20 सीट जीतेंगे और हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष अपना बनाकर रहेंगे।
खटीमा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महामंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश महामंत्री भाजपा सुरेश भट्ट ने कहा कि वह पहली बार खटीमा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे हैं। वहीं उन्होंने पार्टी के बीच चल रही हलचल पर पर्यवेक्षकों के पहुँचने पर बात करने को नकारते हुए कहा कि पर्यवेक्षकों के अपने कई काम होते हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की कोई भी संभावना नहीं होने की बात कही। विधानसभा का चुनाव, उस चुनाव में जो उत्तराखंड के अंदर एक मिथक है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस, इस बार का कार्यकर्ता इस मिथक को तोड़कर फिर से भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार उत्तराखंड के अंदर बनाएगा। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।